जी जंगी भाई फिचल है ना मेरा, खींचते नहीं है तुम्हारे चड्डी क्या, सब खींचा हुआ है महाकरा एकदम पर पेशाब जैसा महाकरा। अरे रोजी रामा मेरे पास कम है हम समझते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अगल बगल नहीं जा, श्रीलंका नहीं जा सकते हैं। कुख पात से तो चाह जाते हैं। अगर जाने का मन होगा तो दो चार कट्ठा खेत बेच के जाएंगे, लेकिन जाएंगे बस। मतलब तुम लोग जा रहे हो घूमने के लिए, हम लोग नहीं जाने हैं। तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है तो तुम कहाँ जाओगी, पिठिया में लटक के मेरा जाओगी, पिठिया में लटक के मेरा जाओगी। थोड़ा थाईलैंड जा रहे हैं हम लोग। हम क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? थाईलैंड सुन के खड़ा काहे हो गए? थाईलैंड सुन के ना, हाँ सबको पता है ठीक है, और तुमको कुछ ही पता है थाईलैंड के बारे में? बैठो तो कई बार बाबू गया हुआ कभी थाईलैंड? बाबू गया हुआ कभी थाईलैंड? थाईलैंड की बात कुछ बताओ, बैठो। आप झूठ मूठ का थाईलैंड के नाम पे साला रोमा खड़ा कर लेता है, कान बड़ा कर लेता है। आपको समझ में आया कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आया? हमर बाप बैठा है पासपोर्ट ऑफिस में। नहीं जाना है हमको, कुछ नहीं जानना है, हाँ नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना। तुम मेरे से पूछ के टिकट करवाए थे, पूछे थे तुम मेरे से? तुमसे पूछ के अब गांड धोएंगे हम? कल को मैसेज किया था, कहां जा रहे बताओ ना। उसी तो बोलता है बिकसवा की सटाया जा रहे हैं, पटाया जाके सटाया करेंगे, ऑफिस में बोल रहा है दो तीन दिन से। और थाईलैंड ही तुमको क्यों जाना है, वहाँ ऐसा क्या है थाईलैंड में? थाईलैंड का जो खूबसूरती है ना वहाँ का 36 24 36, अब तुम्हारे साथ जाएंगे तो वहाँ नहीं देखते क्या? तुम जाती थाईलैंड का नहीं देखते क्या? हाँ, तो मेरे नजर के सामने तुम रहते हैं ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तुम्हारे नजर के सामने सबका बड़ा गांव हम देखेंगे वहाँ, यही टुकटा फेंकी और बहुत कुछ नहीं सरी आएंगे, कुछ ही कुछ नहीं सरी आओगी। ये सब क्या लिए हो जी? हर के लिए, रास्ता के लिए। अरे बहुत चक्कर होकर आएगा तो ऐसा कौन सा मजदूरी करने जा रहा है जो पड़ रहा है? हटाओ ना कपड़ा। अरे काशी बाजी काहे पगला रही हो? क्या क्या है ये? क्या क्या वही तो तुमसे पूछ रहे की है? हे काइंड ऑफ हे प्रभु हे जाएगा ना भीड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोहन सोहन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। गाइस अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया, ऑफिस से आके जस्ट मैं खड़ा हुआ और एक गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैंने अप्लाई किया था अपने पासपोर्ट के लिए तो वो बन गया है मेरा पासपोर्ट। सोनल मेरे बाद अप्लाई की थी एक महीने बाद, उसका भी डिले है, तो ये गुड न्यूज़ मैं सोनल को दूंगा। और इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा प्रैंक है, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है 10-15 दिन बाद, अचानक से कुछ अलग प्लानिंग हो गया। मैं विकास और मेरे ऑफिस के 2-3 लोग हैं जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाने का हैप्पी न्यू ईयर में, और मेरा पासपोर्ट भी आ गया जो सोनल को भी हम दिखाएंगे। मोबाइल पर मैसेज आ गया मेरे पासपोर्ट का, ठीक है ऑनलाइन, तो सोनल को दिखा देंगे, वो कंफर्म हो जाएगा कि लोग इंडिया से बाहर जाने वाला, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं बना है। बहुत मस्त प्रैंक होने वाला है और अपने ट्रॉली पैक करने जा रहे हैं, देखते हैं सोनल का रिएक्शन क्या होता है। बहुत मज़ेदार प्रैंक है, देखना। और इसमें बहुत बड़ा बड़ा ट्रेजडी है इस प्रैंक में, अंत तक देखना वीडियो को, ऐसा ऐसा खुलासा होगा कि आप तंग रह जाओगे। और जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो गाइस चलिए चल के सोनल को खुशखबरी देते हैं कि मेरा पासपोर्ट तो आ गया है, और साथ में उसके लिए दुख खबरी भी होगा कि हम कहीं जाने वाले हैं अपने फ्रेंड सर्कल में न्यू ईयर पार्टी में मज़ेदार। और चलिए घर जाके मिलते हैं, जल्दी कपड़ा पैक करेंगे और उसको बोलेंगे। चलिए सोनल जल्दी से चाय बनाओ तो फटाफट, ठीक ना? जल्दी बनाओ, आ गए जल्दी बनाओ चाय, चाय लेके रूम में आओ। A few moments later. La 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 la. चाय आ गया? Thank you so much. चाय आ गया? ये क्या कर रहे हो तुम? कैसी कर रहे हैं? दो चाय बातों पहले। कपड़ा सरिया रहे हो? हाँ? कपड़ा सरिया रहे हो? हाँ। ऐ जी जंगी भाई फिचल है ना मेरा, खींचते नहीं है तुम्हारे चड्डी क्या, सब खींचा हुआ है महाकरा एकदम पर पेशाब जैसा महाकरा, कभी से खींची थी? अरे खींचा हुआ है एगो तो, हम एगो तो पहने हुए हैं, हाँ एगो ही है, दुग हो गया एगो आओ था जी मेरा, जिसमें छेद था चार पांच गो, जिसमें छेद था चार पांच गो, हटला हवा क्या बोला तूने? उसको क्या करोगे तू? अरे जा रहे हैं तो 3 गो होगा तो 2 गो एक्स्ट्रा, 4 गो लेना पड़ेगा। क्या कर रहे हो बताओगे, एकदम तो बोल ही रहे हो। साफ बताते हैं, साफ बताते हैं, बैठो पहले बैठो ना, सरियाना है और कपड़ा सरिया रहे हो, और भी कपड़ा सरियाना है। चाय बताओ, चाय बताओ, यहाँ दो चाय। वाह चाय तो चाय ले, बिस्किट दो, चाय दो बिस्किट दो, खुशखबरी है। ऐसा क्या हो गया बताओ हमको भी, ना मंजूर हो गया बताओ ना, हुआ क्या है, क्या हो गया, प्रमोशन हो गया तुम्हारा? मेरा व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो और उसके बाद हमसे बात करो, से बात करो। प्रमोशन विकास जब तक रहेगा नहीं होगा, उसके चलते डिमोशन में चल जाते हैं दोस्त यारी के चक्कर में। क्या तुम्हारा पासपोर्ट आ गया? डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग।
इतनी खुशी तुम कहिया दी हो, हुरते हैं तब काम करती हो हाँ? ना तुम्हारा, तुम एक मेरे से एक महीना बाद दी हो, हम दिए थे 3 महीने में आ गया, अभी आया, पता किए आएगा, एक महीना डेढ़ महीना बोला लगे सर इनमें भी, मेरा मैसेज आ गया, हार्ड कॉपी कल जाके ले लेंगे, पासवर्ड आ गया, अब हम छुट्टा फॉर्म सब जगह दौड़ सकते हैं। कहाँ दौड़ सकते हो छुट्टा साढ़ की तरह, पासपोर्ट सबके पास होता है, समझ में आया ना, घूमने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। अरे रोजी रामा मेरे पास कम है हम समझते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अगल बगल नहीं जा, आप श्रीलंका नहीं जा सकते हैं, फुटपाथ से चाह जाते हैं, अगर जाने का मन होगा तो 2-4 कट्ठा खेत बेच के जाएंगे, लेकिन जाएंगे बेटा, खेतवा किस दिन काम आएगा, दादा परदादा काले छोड़ के गया है, 2-4-5 बीघा खेत छोड़ा है, खेत बेचेंगे साले को, घूमने, जिंदगी शौक का चीज है, शौक पूरा करो, घूमते रहो, घूमते घूमते मर जाओ, घूमते घूमते मर जाओ। पासपोर्ट बन गया ना, अब छुट्टा सावन घूमेंगे, कहाँ घूमोगे तुम? अरे प्लानिंग हो गया है, न्यू ईयर प्लानिंग हो रहा है हम लोग का। चीटिंग करता है तू। बस मतलब तुम लोग जा रहे हो घूमने के लिए, हम लोग नहीं जाने हैं। तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है तो तुम कहाँ जाओगी, पिटिया में लटक के मेरा जाओगी, पिटिया में लटक के मेरा जाओगी। ऐसा जगह तुम क्यों जा रहे हो, पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम भी चलेंगे चलेंगे न्यू ईयर में चलेंगे घूमने के लिए। हाँ तो ऐसा जगह इसलिए जा रहे हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा, अब फिर नया साल खत्म हो जाएगा, सब काम में बिजी हो जाएगा, नहीं जाएगा, अब बन गया सोने पर सुहागा हुआ पासपोर्ट बन गया, अब तुम्हारा पासपोर्ट है नहीं, तुमको अगला साल, अगला साल नहीं इसी साल में पासपोर्ट आएगा ना, तब फिर चलेंगे। तुम अभी क्यों जा रहे हो, जब मेरा पासपोर्ट आता तुम क्यों 2-3 महीने तुम वेट नहीं कर सकते थे? अरे यहाँ 4 को हम लोग दोस्त जा रहे, विकास बहुत जीत किया, बोला भैया चलिए ना, उसकी भी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि 6 का से पहले उसको भी ले चलो, तो बोला कि ना भाई अभी हम लोग 4 को जा रहे हैं, मस्ती करेंगे, ऐसे भी बिहार में दारू फारू सब बंद है यहाँ, इससे बढ़िया है कि यहाँ दारू नहीं पी के वहाँ साला टल्ली होकर घूम के आ जाए। कुछ तुमरे साथ जाएंगे, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, एकदम इंडिया से तुम बाहर जा रहे हो, मतलब हमसे डिस्कस करना भी तुम जरूरी नहीं समझे, इंडिया से बाहर कैसे, ब्रह्मांड से बाहर चल गए हैं यार, ब्रह्मांड से बाहर चल गए हैं यार, इंडिया से बाहर तो आज हर साला हगना पदना जा रहा है, हर दूसरा घर का लड़का जा रहा है, जो साला कुछ नहीं कर रहा, जिसको वो रोजी रामा नहीं है, वो पैसा जुगाड़ करके चल जा रहा है, 4 दोस्त आदमी का, हम लोग साला कमाऊ आदमी है जी, आए शादीशुदा है, भी कस्बा जा रहा है, हम जा रहे हैं, रंजीत जी जा रहे हैं, मास्टर साहब सब जो है जिनको मास्टर साहब बोलते वो जा रहे हैं, 4 को हम लोग आदमी जा रहे हैं, अब ज्यादा कहाँ, वही 26 या 27 को निकलना है, और 3 दिन में रिटर्न हो जाएंगे पहले, ये 26 को निकल भी जाओगे? हाँ तो सरिया कल रहे कपड़वा आए पागल, लेकिन भरथुआरी के लिए सरिया रहे हैं, जा रहे हैं घूमने उसी के लिए सरिया रहे हैं। अरे हम भी कस्बा को ना जल्दी से मैसेज कर देते हैं, गया है बाजार, मैसेज किया था कुछ लेना है, हम भी लिख देते हैं उसको, 1-2 को अंडरवियर ले लेगा, 1-2 को अंडरवियर ले लेगा। What? No! अंडरवियर क्यों मंगवाना है तुमको, तुम्हारे पास है ना इतना सारा? कुछ ही इतना सारा है नहीं, एक एक दो तुम इसमें रखे, फिर क्या बोलते पहने भी हो, एक धोया हुआ भी है। 3 को ना कम से कम 6 को वहाँ चाहिए, 4 दिन 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दूरी 6 को चाहिए, 3 दिन के लिए तुम जा रहे हो, ऊपर से तुमको उसमें भी तुमको 6 चाहिए, 6 क्योंकि वहाँ हम एक को पैंट ट्राउजर रखे हैं नहीं रखे हैं, वहाँ सिर्फ जंगिया पहनना है, ऊपर टी शर्ट डालो नीचे जंगिया, क्या ऐसा कौन सा है, बीच लाइफ है भाई वहाँ, बीच लाइफ है, बीच लाइफ है भाई वहाँ, बीच लाइफ है, हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम, जा कह रहे हैं हाँ। अरे थोड़ा थाईलैंड जा रहे हैं हम लोग, हम क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, थाईलैंड सुन के खड़ा कहाँ हो गई, थाईलैंड सुन के ना हाँ। सबको पता है ठीक है, और तुमको कुछ ही पता है थाईलैंड के बारे में, बैठो तो कई बार बाबू गया था थाईलैंड, तो गया बेटे थाईलैंड के नाम पे नाच लो, लग रहा है मोरवानियन कुछ ही, बताओ 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 बैठो, झूठ मूठ का थाईलैंड के नाम पे साला ये रोमा खड़ा कर लेता है, कान बड़ा कर लेता है, ये रोमा खड़ा कर लेता है, कान बड़ा कर लेता है, झूठे मूठे, समझ में आया कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आया, तुमको जाना था अकेले अपने दोस्तों के साथ, तो मेरा पासपोर्ट भला क्यों आएगा, हमर बाप बैठा ले पासपोर्ट ऑफिस में, हमर बाप बैठा ले पासपोर्ट ऑफिस में, जो बनाया कैसे आया, मेरा नहीं आया, तुम मेरे एक महीना बाद अप्लाई की हो ना जी, कब अप्लाई की हो तुम, उससे मतलब क्या है सुहान तुमको, अरे अप्लाई जो हम किए तुमसे 2 महीना पहले अप्लाई, तो मेरा आ गया, तुम्हारा नहीं आया, नहीं जाना है हमको, कुछ नहीं जानना है, हाँ। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना, पैसा लग गया है, टिकट बुक हो गया है, प्लेन उलेन का है, ऐसे उड़ा देंगे, तो मेरे से पूछ के टिकट करवाए थे, पूछे थे तुम मेरे से, तुमसे पूछ के अब गांड धोएंगे हम, कल को बोलोगी तक कोई बात है, पहाड़ बना दी, अरे
तुम थाईलैंड नहीं, तुम चलना मेरे साथ मलेशिया। नहीं नहीं प्यारी समझ गई। थाईलैंड तुम क्यों जाओगे ना, क्यों जा रहे हो, हमको सब पता है। का पता है जी, बताओ तो जरा, हमको नहीं पता। अभी कपा बोला कि भैया कौन चीज के लिए फेमस है, क्या चीज के लिए फेमस है ना, ये हमको पता है। कुछ नहीं, जैसे गर्मी का छुट्टी होता था ना हम लोग का स्कूल कॉलेज में, तो जाड़ा का छुट्टी है तो बिगसपा बोला कि चलिए ना वहाँ थाईलैंड जाता है, सब जानते हैं यहाँ जा रहा था तो वहाँ गर्माने के लिए जाता था, हम लोग भी गर्मा के आते हैं, ठंडा बहुत पड़ रहा है। पता है क्या ये प्लान, हमको पता है ना कि वही बनाया होगा तुम्हारा सड़ा सा दोस्त। अरे बिकसपा जूनियर है हम लोग से, तो दोस्त भैया भैया बोलते तो वही बनाए किया, बोला अच्छा बना दिया है, कम बजट में हम लोग चल गए, पैसों बच गया, तो वही बोला कि चलिए ना भारत से सब जाता है थाईलैंड जानते हैं गर्माने के लिए, हम लोग भी गर्मा के आते हैं। गर्माने मतलब ऐसे ही बोला, उसे बोला हम लोग चलो गर्मा के आते हैं, हम लोग भी गर्मा के आते हैं, हम लोग भी। मेरे को जाना पड़ेगा। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी की भी बीवी नहीं मानेगी भाई, हम क्या किसी की बीवी नहीं मानेगी। थाईलैंड कुछ है, अकेले कुछ होके जाते तो मेरे साथ चलते ना। तुम्हारे साथ थाईलैंड जाके क्या करेंगे, बैल को ऐसे खुट्टा में बांध देता है, खुटवा के चारों तरफ नाचते रहता, तो तुमको खुट्टा बनाने के लिए वहां ले जाएंगे, ये तुम्हारे चारों इर्द गिर्द नाचते रहे, ये सब जगह दोस्त यार के साथ जा रहे, थोड़ा सा बियर दारू उरू चलेगा। हाँ, और कबाब सबाब रुबाब सब चल, यही सुनना है आपको, यही ये फंस गया सी है। हमको बहुत अच्छे से पता है ना कि बैंकॉक थाईलैंड जो है ना सिर्फ अपने नाइट लाइफ के लिए फेमस है, समझ में आया ना। आजकल ना फोन है, नहीं सब कुछ रहता है, थाईलैंड कंट्री है, उसमें कहाँ जा रहा है वो पूछते हैं। हाँ मैसेज किया था, कहाँ जा रहा है बताओ ना। कुछ ही तो बोलता है बिकसवा की सटाया जा रहे हैं, पटाया जाके सटाया करेंगे, ऑफिस में बोल रहा है दो तीन दिन से। क्या बोला तूने, पटाया? पटाया तो जगह का नाम है। हाँ तो वही वही जा रहे हैं थाईलैंड में, पटाया जा रहा है, बड़ा पटाया जाके सटाया करेंगे बोलते रहते। पटाया सटाया क्या कर रहे हो? हाँ? हमको क्या पता, वो बोलते रहता है एक्साइटमेंट ऑफिस में देते रहता है पोयम नियम, पोयम नियम वो बोलेगा कि चलिए भैया कुआं ना ढूंढने के लिए तो तुम चले जाओगे। कुआं जा रहा है, वो तो घूमने जा रहे हैं हम लोग। अब वो क्या करने जा रहा है उन जान भाई, हम तो जा रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा, अब सुनते हैं वहाँ मंदिर उन्दिर बहुत अच्छा अच्छा है, बुद्ध भगवान का सब का मंदिर ना, यहाँ इंडिया में भी बहुत अच्छा अच्छा है, यहाँ तो ढेर जाते हो मंदिर, तुम वहाँ बैंकॉक का मंदिर जाओगे तुम। अरे तो वहाँ भी पूजा कर लेंगे जाके, मन्नत मांग लेंगे अपने दोनों बरकत के लिए। देखो बिकसपा हमेशा बोलता है जब कहीं ना मिले आनंद जिंदगी लगे झंड तो चलो थाईलैंड। नहीं तुमको नहीं जाना, औरत हो औरत जैसा रहो, जाएंगे तो हम भी जाएंगे वरना कैंसिल करो प्रोग्राम। औरत का जगह ना पत्नी के पैर में रहता है तो थोड़ा ना औकात में रहो, ठीक है? मुझे ना ज्यादा काबिल मत बोलो, तो गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं सुनने वाले, तुम्हारे टेंशन से गर्मी लग रहा है, बट गर्मी लगा दिए ना, नहीं जाना तो नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। क्यों तुम्हारा मतलब पूरा हर जगह इतना सारा टूरिस्ट प्लेस है, हाँ। और कहीं तुमको हर जगह मतलब छोड़ छाड़ के तुमको थाईलैंड और बैंकॉक ही मिल रहा है। आओ कहाँ तुम्हारा बाबूजी बनाया कंट्री जरा बताओ तो बगल में चल जाते हैं। थाईलैंड क्या मेरा बाबूजी बनाया जो कि तुम वहाँ जा रहे हो? अरे थाईलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, हमको पता है क्या चीज का, क्या खूबसूरत, कितना खूबसूरत है थाईलैंड, सबको पता है। और थाईलैंड ही तुमको क्यों जाना है, वहाँ ऐसा क्या है थाईलैंड में? थाईलैंड का जो खूबसूरती है ना वहाँ का 36-24-36 यही खूबसूरती होगा। क्या क्या समझ रहे, 36 वो जगह है घूमने के लिए, 24 वो मंदिर है घूमने के लिए। हाँ? बोलते रहे ये फिगर तुम बता रहे हो, कुछ फिगर बता रहे हो, बता रहे हो 36 अब 24-36 36-24-36 फिगर, कुछ सब फिगर था है तुम्हारा फिगर वैसा 36-24-36 वही देखना चाह रहे हो ना तुम, वही देखने के लिए तो जा रहे हो। हमने भी कसवा बोला कि भैया जानते हैं दुनिया का सब खूबसूरती वही समाया हुआ है 36-24-36, तो हमको बोला क्या चीज बोला, तो बोला अरे घूमने का जगह है, तुम बोल रही हो लड़की का फिगर होता है, गजब डूबी बाज आदमी लड़ रही हूँ, शोभा देता है संस्कारी औरत को। हाँ शोभा देता है क्योंकि मेरा पति संस्कारी नहीं है ना, मेरा पति संस्कारी होता है ना तो वो थाईलैंड नहीं जाता। अरे हम पे थाईलैंड तो तुमको तो विश्वास नहीं है, तब हमको आज पता चल गया तुम विश्वास की कच्ची हो, तुमको तो बिकसपा पे कोई शक करेगा ना चलेगा, और तीनों जो जा रहा है उस पे भी चलेगा, तुम हम जैसा देव मानुष है, तुम हम पे शक कर रही हो देव मानुष पे, कहाँ से देव मानुष किधर से, हाँ देव इतना देव मानुष हो ना तुम के चुपके चुपके तुम प्रोग्राम बना रहे हो, पका हम खाए जो तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, देव मानुष है तभी तो कोई आम नहीं चूसे दूसरा जीवन में, तुम अपना ना सवा सा अमरूद चूसते रह गए खाते रह गए काट के। क्या बोल रहे हो, तुम ही बोल रही हो कि कहाँ से तुम देव मानुष हो तो बताएं, देव मानुष नहीं है, हमको बताए नहीं अपने प्रोग्राम के बारे में कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा भी को भनक नहीं लगने दिए, जरूरी नहीं समझते हैं, तुम खुची हो मेरी मालकिनी हो कि ठाकुरानी हो मेरी,
क्या है, हम पत्नी है तुमको, हम पत्नी है तुमको, बताना पड़ेगा हर चीज, हर चीज बताना पड़ेगा। हम बोलेंगे अभी कैसा वो पैसा लगा दिया, मार के सलाह देगा ही ले है। तुमको जाते हैं कहीं पे भी, हम तो बगल में भी जाते हैं तुमको बता के जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं फोन करके पूछते हैं। बोल रहे इस ताम शाम को हटाओ ये सब कुछ झूठ मूठ का ना। ए सुनो ना, कपड़ा वपड़ा मत छूछा करना, बहुत मेहनत से सर यहाँ है, पागल मत बनो कुछ। अरे क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या जाओगे? नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये भगवान क्या जुलुम है, अब तुम मेरे साथ जाएंगे तो वहाँ नहीं देखते क्या? तुम जाती थाईलैंड तो नहीं देखते क्या? हाँ, तो मेरे नजर के सामने तुम रहते हैं ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे नजर के सामने सबका बड़ा गांव हम देखेंगे वहाँ, यही काम बच गया। कुछ नहीं जान रहे, बस प्लान कैंसिल हो जाना चाहिए और हमको कुछ नहीं जानना है। तुम गुस्सा रही हो बे फतलू, इतना गुस्सा नहीं होना है। और तुम्हारे साथ जाए तो बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं जाए तो, तुम्हारे साथ जाए तो देव मानुष, अकेले जाए तो हम राक्षस ना, यही कहना चाह रही हो? कपड़ा सरिया हो चुपचाप फेंकियो, कुछ नहीं सरिया, कुछ ही कुछ नहीं सरिया होगी। ये सब क्या लिए हो जी? हाँ? ये सब क्या लिए हो? कुछ ही। अरे ऐसे ही काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स पूरा लेके जा रहे हो सफर के लिए, रास्ता के लिए विटामिन विटामिन का पूरा गोली लेके जा रहे हो। अरे विटामिन थोड़ा सा थकावट होगा ना, वहाँ जाएंगे तो प्लेन व्लेन पे चढ़ रहे हैं पहला बार तो थोड़ा चक्कर होकर आएगा तो ऐसा कौन सा मजदूरी करने जा रहे हो जो कि तुमको इसका जरूरत पड़ रहा है? मजदूर वहाँ हम हल चलाने जा रहे हैं कि वहाँ जाके हम ठीक करेंगे? अरे विटामिन तो बोली, मतलब विकासपा बोला कि ये सब काम पड़ेगा आपको, वहाँ थकावट बहुत होगा, रेलैया होगा वहाँ, मतलब रेलैया सॉरी, अरे मतलब वहाँ टहलने बुलने में बीच बीच में घूमेगा ना दिन दिन भर जी, तो थकावट होगा, तो विटामिन विटामिन का गोली रखना नहीं चाहिए जी, सर्दी हो जाए खांसी हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, झूठ बोल रहा है। हाँ। इतना सारा विटामिन तुमको जरूरत पड़ने लगा है, यहाँ तो तुमको नहीं जरूरत पड़ा, वहाँ तुमको इतना ज्यादा तुमको जरूरत पड़ने लगा है। अरे यहाँ कुछ है, वहाँ का बड़ा बड़ा समुंदर है, बड़ा बड़ा समुंदर में गहराई है, तो सब का गहराई में गोता लगाएंगे, थोड़ा सा गहराई के अंदर थकेंगे तो गोता लगाने के बाद ही खाना पड़ता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसीलिए हम खा रहे विटामिन का गोली। काजू भाई विकासवा हमको बोला, पता है क्या बोला? कि भैया काजू एक डिब्बा से काम नहीं चलेगा, वहां उतरने के बाद बोला है, बोला वहां आपको तीनों टाइम काजू पिस्ता बादाम और दूध यही ले जाना पड़ेगा, हॉर्लिक्स वर्लिक्स नया एक पैकेट उसको भी रख लेंगे। बोला कि बहुत थकावट होगा, बोला वहां इतना रेलैया आपका चलेगा ना कि आप थकावट होगा, बोला वहां इतना रेलैया आपका चलेगा ना कि आप अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। बोल तुम क्या समझ रही हो? हम तो बहुत कुछ समझ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो हमको समझना चाहिए ना बहुत अच्छे से समझ गए। तुम क्या समझ रही हो कि हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि तुमको ये सब का क्यों जरूरत पड़ रहा है? टपा टप यहाँ तुमको कभी हमने देखा है खाते हुए, और एकदम जाना है तो एकदम थाईलैंड जा रहे हो, तो क्या ये सब मेडिसिन ये सब सारा कुछ लेके जा रहे हो? यहाँ हम ऐसा कोई गुफा में नहीं घुसते, वहाँ तो दिन रात वही काम चलेगा, घूमना फिरना समुंदर के गहराई में घुसना। इतना काम काम करके जाता होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ठीक है, विटामिन सी विटामिन ए विटामिन ई जिंक का गोली है, तो ये सब थकेंगे पहला बार जिंदगी में। वही तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम जा जो रहे हो, मतलब क्या वहाँ पे क्या कौन सा ऐसा काम करोगे कि तुम इतना थक जाओगे कि मतलब तुमको हर जगह तुमको विटामिन का गोली खाना पड़ेगा क्या? टपा टप। अरे बहुत शरीर का रिलैया वहाँ होगा, मेरा शरीर का मतलब रिलैया, शरीर का रिलैया मतलब की टहलेंगे बोलेंगे दौड़ेंगे ये सब, इसीलिए वहाँ थाईलैंड हमें आओ क्या करेंगे? और तुमको क्या लग रहा है क्या होगा? तुम गलत सोच रही हो। चलो 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 सरिया छोड़ो, झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा बात बताओ ना। अरे अरे कल्चू भाजी कहाँ पकड़ा रही हो? हेलो हेलो जी, क्या था वो? हाँ क्या था वो? खत्म। अब देखो कुछ नहीं था, अरे सामान ले आ रहे थी, तुम मेरा पूरा ट्रॉली का तुम अथी कर दियो, गांज गूंज के बराबर कर दियो। क्या हाँ क्या है ये? क्या वही तो तुमसे पूछने की है, क्या ये क्या है? ये कंडोम क्या है? ये सब आयोडीन भी कसवा दिया था कि भैया इमरजेंसी में काम दे सकता। क्या क्या है? Oh, no. क्या है ये? और ये हाँ ये क्या है? बताओगे कुछ? कॉन्सेंट्रेट कुछ ही बोलती है अरे सेफ्टी मेजर्स है विकासवा बोला कि भैया अरे सुनो तो सही मेरा बात मेरा। अरे तुम गलत समझ रही हो, तुम
विकासवा बोला कि टिकट एक बार आप भूल जाइए थाईलैंड जाते समय, लेकिन इसको नहीं भूलना है अन्नम को, अन्नम को बोला कि ये वहाँ टिकट है वहाँ का, बोला ना कि बोला कि जैसे अपना देश में दो गोड़ पे चलते हैं ना, वहाँ जब दो गोड़ काम नहीं आता तीसरे गोड़ पे चलना पड़ता है, मतलब पैसों से खत्म अगर बीच में हो गया तो तीसरा गोड़ इस्तेमाल करके आप पैसा वहाँ अर्न कर सकते हैं। क्या बोला तूने? और प्लस की दूसरा बात है कि सब यूज ये सब बोला कि कोई भी होटल कोई भी उतरते साथ ना ये सब नेसेसरी है वहाँ, ये नहीं दिखाए बिना घुसने नहीं देगा, पता नहीं काहे बोला हमको। और तुम हमसे पूछ रहे हो हाँ कि हम क्यों रोकना चाह रहे हैं, मतलब तुम देखो तुम क्या, अरे क्या बन गए हो, क्या बन गए हो तुम, क्या बन गए हो, क्या बन गए हो तुम, अरे विकासवाद दिया रखने के लिए रख लीजिए काम देगा। अब बोला कि ये दो चार डिब्बा नहीं होगा वहाँ का, तुम 15 डिब्बा रखना पड़ेगा कॉन्डम। बोला ना कि इतना जरूरी है ना कि बिना इसके आप कोई होटल नहीं बुक करवा सकते, ये रहेगा तभी होटल देगा, ये तो मांगता है प्रूफ के तौर पर, एक बार टिकट भूल जाओ तुम थाईलैंड का ये नहीं भूलो, कंडम मस्ट है कंपलसरी है वहाँ कंडम, पता नहीं कहा सब बोला हमको तो लगा हम बोल दी। अच्छा क्या? अरे अगर कभी भूल चूक हो जाए तो वहाँ बाल बुतरू नहीं मेरा रहे, इसीलिए रख लिया। अभी कस्बा बोला कि भैया कहीं बाप वहाँ नहीं हम बन जाए, अब इमरजेंसी में वो रख लीजिए, वो हमको अपना वो साला वो अपना सामान हमको दे दिया, हम फंस गए बताओ, पगला साला अपना सामान हमको दे दिया, उसका तो समझ में। अरे वो बोला कि कसम से पिल रख रहे भैया, कहीं मान लीजिए गोली भरना भूल गए, राइफल पे गोली चढ़ाना भूल गए तो अपना ही बाल बच्चा वहाँ उसका। अरे अरे बोला कि अरे थाईलैंड में गलती हो जाएगा, गोली नहीं खिलाएंगे तो बाल बच्चा वहाँ हो जाएगा उसका, बोला मेरा बम्प वहाँ बढ़ने लग गया थाईलैंड में। कितने कैरेक्टर लेस हो यार, कितना ज्यादा कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर नाम कोई चीज नहीं है ना। आई जी तो बॉडी गार्ड अगर बंदूक रखना जरूरी है गोली चला देता है, ये बॉडी बंदूक का गोली है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली चलाएंगे नहीं, बस इसको रखने के लिए वहाँ लाइसेंस का जरूरत है, इसको जरूरी है वहाँ दिखाना। हाँ पासपोर्ट छोड़ के तुम्हारा यही देखेगा, अब समझ में आ रहा है ना। हाँ क्या कि तुमको क्यों इस चीज का जरूरत पड़ा, तुमको इस चीज का इतना सारा जो विटामिन है क्यों जरूरत पड़ रहा है, अब ना समझ में आ रहा है, मतलब मेरा शक देखे ना सही हुआ ना, सही हो गया ना। अरे अभी कसवा बोला भैया 5-6 डिब्बा रख, इंसान अरे कितना एक समुद्र में गोता लगाए, कभी कभी साला इधर उधर भी गोता लगाने का मन करता है, आदमी है फीलिंग है, मारने धारने अपने घर जाना है। पागल इन बात कर रही है तुम, पागल जैसा हम बात कर रहे हो तो तुम हमको दिखा दी कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना अच्छा है, कल क्या लग रही हो तुम, बोल रही है मम्मी के पास जा रहे हो, बताएगी कि क्या करने तुम जा रहे हो, मम्मी कुछ भी तो थाईलैंड ना तुमको जाना है, जाके दिखाऊंगा आप लोगों को जहाँ जाना है जहन्नुम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया ना। अरे 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 मम अरे 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 बैठो ना तुम, काहे से गुजर, ये सब कॉमन चीज है, ये सब आप तुमको आदत डालना चाहिए हमको, हम पे ये सब थोड़ा समझ रही हो, बदियार बनो क्या कॉमन चीज है, सुहान बोल रहे कि आज तक हाथ नहीं लग जाएगा तुमको बहुत जोर से, हाथ उठाओगी पति पे, इंडियन नारी, अरे इंडियन नारी, अरे तुम इंडियन नारी हो, तुम बहादुर हो, तुम सहन शक्ति है, तुम 10 औरत से शादी कर ले तब तुमको नहीं पिछली तोना दे तुम, हमको समझ में तुम समझ के लिए हमको, तुम अच्छी हो आदर्शवादी पत्नी हो और क्या, देखिए हमको आदर्शवादी जैसा पति नहीं है, देव मानुष है, देव मानुष मार ले यार, किस मुंह से किस मुंह से देव मानुष के पास इतना सारा क्या निकलता है, हां क्या इतना सारा चीज निकलता है, ये बड़ावा हिला दे अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के वहाँ सिर्फ अपना अपना खेलने कूदने के लिए जा रहे हैं और हमको बता रहे हो तुम, हमको समझाने का कोशिश कर रहे हो कि तुम क्यों जा रहे थे, आप समझ में ना कि तुम क्या कौन सा पूजा पूजने जा रहे थे, कौन सा पूजा करने जा रहे थे ना, सबको समझ में आ रहा है। अरे तुम रो नहीं काहे लगती छोटा छोटा बात पर, अरे तुम यार ऐसे अब पूछ ले क्या, तुम्हारे बैग में जो जो चीज मिल रहा है उसको देख के तुम क्या बोल रहे हो, इतना रो रोने वाला बात है, बैग से क्या मिल गया, बम मिल गया, परवान को अब मिलने का कुछ और बचा के जो हम क्या क्या दिखा, अब किसी लड़की बैठा दोगे तभी कुछ समझ में आएगा कि तुम क्या करने जा रहे हो, गलती हो गया माफ कर दो, नहीं कर छोड़ो और ना छूना मत हमको, क्या इंसान प्रैंक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो, तुमको दिख रहा है, सुनो इधर देखो इधर क्यों रो रही हो, क्यों हटाओ यार
अरे यार प्रैंक कर, काहे नहीं विश्वास कर रही है तुम? तुमको एक घंटा से समझा रहे प्रैंक कर रहे हैं, मत रो चुप हो जा। अरे प्रैंक कर रहे थे बाबू, मजाक कर रहे। अरे हम देखो अब काजल खराब हो रहा है। क्या हुआ तुमको? देख तो रहे हैं तुम बोल रहे ना, हमको एकदम विश्वास नहीं। अरे ये सब क्या चीज, ये सब तो ऐसा ही ऐसे ही रखे हुए थे, ले जा रहे थे मजाक में वीडियो के लिए। गाइस देखिए प्रैंक पड़ गया भारी, ये अभी तक रो रही है, अब चुप नहीं हो रही है। गाइस हम मजाक किया, अब आज के बाद आप लोग आइडिया नहीं मानेंगे। आप ही लोग बोले थे न्यू ईयर प्रैंक कीजिए, कर दिए। मेरा प्रैंक जानते भारी पड़ जाता है, इस पे हमेशा प्रैंक कर रहे थे, पूछ लो भी करता था, कहीं नहीं जा रहे। पासपोर्ट वाला है? पासपोर्ट तो मेरा बंद गया, तो अच्छा बात है ना, वो तो जाएंगे हम लोग कभी मलेशिया वलेसिया जाएंगे, पैसा उसे आएगा अच्छा से। तो मजाक कर रहे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और जल्दी 100 कीजिए, इसको मनाने जा रहे हैं।